नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पीछे दोनों हाथों से नमस्कार, दो पैर नजदीक सटे हुए, तीन पैर कमर के पास लेकर लंबी सांस लो, चार हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, अब दोनों हाथों से पानी दूर करो, पांच पैर पीछे और सांस छोड़ो, शाबाश। चलो चलो चलो, वक्रतुंड जाने का समय हो गया। नहीं, नहीं, इतनी जल्दी नहीं जा रहा, मैं नहीं आऊंगा। वक्रतुंड, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं? हाँ, प्लीज प्लीज प्रॉमिस, सिर्फ आधा घंटा। हाँ, तूने मुझसे वादा किया था ना घर से निकलते वक्त, किया था कि नहीं? मुझे देर हो रही है, चल निकल, चल जल्दी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाना। हाँ? अब तो बिल्कुल ही नहीं जाना। बिल्कुल नहीं आएगा। चल जल्दी बाहर, पानी से बाहर। 7 दिन में मछली की तरह तैरना सिखाता हूँ तुझे, यही कहा था ना आपने वक्रतुंड? अगर हम सीधी छलांग लगाएंगे तो सीधा पानी में जाएंगे, और आड़ी छलांग लगाएंगे तो पानी में तैरेंगे। कारण क्या है? अरे, अपना वजन कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब इस पर आधारित होता है, समझा? अरे गणित है भाई इसके पीछे। पीछे।
चांद के तारों की पढ़ाई करके हमारे पूर्वज पूरी दुनिया में घूमे। जानते हो किसके दम पर? गणित के दम पर। बेटा, ये हमारी पृथ्वी भगवान के द्वारा निर्माण किया हुआ एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ की भाषा गणित है। मतलब जिसे गणित आता है वही इस ग्रंथ को पढ़ सकता है और वही इस दुनिया को पढ़ सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे फिर कुछ हूँ हाँ बोलेगा कि नहीं? हे बाबा, चल 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 जल्दी, देर हो रही है, हो गया तुम्हारा, चल जल्दी, चल चल, इनामदार सर इंतजार कर रहे होंगे। अरे वक्रतुंड, चल जल्दी। ए सोनिया, सारे बच्चे आ गए होंगे। अरे क्या देख रहा है, चलना जल्दी। दादा, क्या हुआ? हमारी गणित की टीचर वहाँ रहती हैं। कहाँ? रहने दे, तू चल। प्रोफेसर इनामदार हम पर गुस्सा करेंगे, मतलब मुझ पर गुस्सा करेंगे वो। कुछ भी बोलते हो, वो क्यों तुम पर गुस्सा करेंगे? वो तो तुम्हारे विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी है नहीं, थे। अब वो गणित के सबसे बड़े प्रोफेसर हैं पूना के कॉलेज में। नमस्कार, दिव्यानगर के प्रसिद्ध गणितज्ञ और गणित के टीचर गणेश गोविंद ठोसर ने मैच ओलंपिया स्पर्धा के स्टूडेंट्स तैयार करने के लिए ये तिलक अकादमी खड़ी की है। ठीक है, देखो यहां से लेकर आखिर तक प्रोग्राम शूट होना चाहिए। ये ले। हाथ साफ नहीं है, अभी मत खाओ। हाँ, तुम्हारे कितने हुए? कुछ नहीं दादा, रहने दीजिए। हाँ, ऐसे कैसे, क्यों रहने दे? वहाँ क्या लिखा है? एक दर्जन संतरों के 100 रुपए, तो 3 संतरों के कितने होते हैं? कितने होते हैं? ओ दादा, आपसे कैसे पैसे ले लूं मैं? नहीं, गलत बात, ये लो पकड़ो। अरे रहने दीजिए, जो जरूरतमंद है उन्हें देना। अब तुम्हें मुझे कितना देना है? ये 50 है। कितने बाकी हैं? 25। हाँ याद है, याद है, मुझे लगा कि स्कूल में जो पढ़ाया था सब पानी फेर दिया। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो जल्दी चलो। अरे पेंडेकर, हाँ? क्या हुआ? अरे दादा के घर फोन किया था। हाँ? कह रही थी वक्रतुंड को लेके कब से घर से निकल गए हैं। अरे वो जो वहाँ तालाब है ना, वहीं पर होंगे, जाओ और जाकर भेजो उनको। अच्छा ठीक है, जाता हूँ जाता हूँ। दादा, 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 हाँ? उस जहाज को देखे मुझे आपकी कही हुई आर्किमेडिस की कहानी याद आ गई। किसकी? आर्किमेडिस, वो है ना जो यहाँ पे समुन्दर के किनारे बैठता था, दूर से आने वाले जहाज देखता था। उसी ने खोज की थी ना कि पृथ्वी गोल नहीं सपाट है। किसने खोज की? आर्किमेडिस ने। खानदान का नाम रोशन करेगा तू? अरे तुझे किस बेवकूफ ने गणित में 100 में से 100 मार्क्स दिए, और वो भी लगातार 2 साल है? आर्किमिडीज नहीं, पाइथागोरस। पाइथागोरस ने समंदर से आने वाली जहाजों से ये खोज की और प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, और दुनिया जैसे समझती है कि ये फ्लैट है वैसा नहीं। समझ गए? गोल सपाट ही तो है। अरे तू कैसे समझेगा? दादा, सुनो दादा। अरे पेंडेकर, एक काम कर, एक काम। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे उनको जाने दो, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो। बेटा एक संतरा देना मुझे। ठीक है, वहाँ जाओ, जाओ ना वहाँ, और पीछे जाओ, और पीछे। हाँ, इसे सिर पर रखो, नीचे झुको, नीचे झुको। कभी छोटे बच्चों के साथ घोड़ा घोड़ा खेले हो? अब मुझे छोटे बच्चों की तरह घोड़ा घोड़ा खेलने की इच्छा हुई, समझो? नीचे बैठो नहीं तो मार पड़ेगी। नीचे झुको, झुक जाओ नीचे। ए तू नीचे बैठ, जा नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, इसके ऊपर आओ। ए तू ध्यान से देख। हाँ अब आगे आओ, आओ। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बताओ क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं ना, पेंडेकर अब जरा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या दिख रहा है? हाँ अभी संतरा दिख रहा है। संतरा दिख रहा है ना, आगे आओ, और आगे आओ, आगे आओ, आओ आओ, और आगे आओ। अब क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है ना, अब क्या दिख रहा है? आंखें। आंखें, आगे। नाक। नाक। अब, अब। कंधा। अरे दादा मेरे घुटने, घुटने। अरे घुटना जाने दो, गड्ढे में। आगे आओ। पेट। पेट।
मिनट। हाँ खड़े रहो, अब बोलो पेंडेकर, अब धीरे धीरे खड़े हो जाओ। ओ दादा, अब क्या दिख रहा है? अभी पूरे पेंडेकर दिख रहे हैं ना, पूरे के पूरे पेंडेकर दिख रहे हैं ना। पेंडेकर हाँ, हाँ, वो संतरा मुझे दे दो, मुझे दे दो जल्दी। चलो नीचे उतरो, उधर जाओ, उधर। ए चल चल उठ, जल्दी उठ, उधर चलो। पेंडेकर यही पे, यही पे, यही पे रखो, यही पे। तू वहां पे जा, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ, बैठ जा पेंडेकर। शुरू करते हैं, संतरा सिर पर रखो, ये पेंडेकर शुरू करो। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पूरे के पूरे पेंडेकर ही दिख रहे हैं दादा। हम पूरे के पूरे पेंडेकर दिख रहे हैं, बराबर है ना? क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये पत्थर की सतह बिल्कुल सपाट है और वहाँ पत्थर के टीले की सतह गोल थी। हमें समंदर में तैरता जहाज जैसे धीरे धीरे ऊपर आते दिखता है, उसी तरह पेंडेकर दिख रहे थे। अब उधर देखो, वो जहाज दिख रहा है ना? पृथ्वी अगर सपाट होती तो वो जहाज सीधा दिखता ना, जैसे यहाँ पेंडेकर दिख रहे थे, वैसा वो नहीं दिख रहा। मतलब पृथ्वी गोल है, समझ में आई बात? इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इनामदार सर ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। क्यों? आपका पोता आपको बेवकूफ बनाएगा और आप उसके चक्कर में घूमते रहेंगे। क्यों रे? दादा, वहां जाने के बाद आप गणित तो नहीं सिखाएंगे ना? नहीं, पर मैं गणित का एक श्लोक सिखाऊंगा। गणित का श्लोक? हाँ। यथा शिखा मयूराणां नागाणां मणियो यथा तथैव सर्वशास्त्राणां गणितं मूर्धनि तिष्ठति। अर्थात मोर के सिर पर जो पंख है, नागों के फन पर जो माणिक्य है, ठीक उसी तरह दुनिया के सभी शास्त्रों का शिरोमणि गणित है। हमारे देश हिंदुस्तान में गणित शास्त्र के विकास की गौरवशाली परंपरा रही है। वराह मिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, रामानुजम, लोकमान्य तिलक और कितने नाम गिनाऊं मैं। शून्य की खोज भारतीयों के द्वारा सारी दुनिया को दी हुई सबसे बड़ी भेंट है। अगर शून्य की खोज नहीं हुई होती तो आज जो प्रगति हुई है वो संभव नहीं हो पाती। परंतु दुर्भाग्य से हमारे गणित विज्ञान के संशोधन की जो परंपरा थी वो खंडित हो गई। और सच कहूं तो ये संशोधन की हमारी परंपरा फिर से जिंदा करने के लिए, इसमें जान डालने के लिए हम इस संस्था की शुरुआत कर रहे हैं। अगर हमें एक बार पुणे के भास्कराचार्य प्रतिष्ठान की मान्यता मिल गई तो हम गणित ओलंपियाड स्पर्धा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बात और, अगर आप में से किसी को कुछ भी पूछना है तो हमारे नार्वेकर सर हैं ना। अब जाते जाते एक बार जाता हूं प्रतिष्ठान में। इनामदार कुछ भी करो, आज तक मुझसे जो भी बन पड़ा वो सब मैंने किया, मगर ये जगन्नाथ का रथ हम सबको मिलके ही खींचना होगा। होगा, सब ठीक होगा। इनामदार, अगर किसी विशेष बात को समाज में लोकप्रियता प्राप्त करनी हो तो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ व्यक्ति का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरा बड़ा बेटा विश्वनाथ इस वक्रतुंड का पिता, मेरी बहुत उम्मीदें थी उस पर मैंने हार नहीं मानी,
जैसे कि गावस्कर, कपिल, सचिन, इनकी वजह से जिस तरह क्रिकेट को नाम मिला, एक अलग मुकाम मिला, वैसे ही गणित में किसी को आगे आना चाहिए। वहां देखिए, गणित का सचिन, इस बार बोर्ड में गणित में ये गोल्ड मेडल जरूर लाएगा। जाओ खाने के लिए बुला लाओ सबको। माई, सब्जी में नमक डाला ना? हाँ नहीं, कल बातों बातों में भूल गई थी ना, इसीलिए पूछा। दादा कुछ बोलते नहीं हैं, और वो जिनको चोपी परोस दो चुपचाप बस खा लेते हैं। वो ऐसा कैसे करते हैं कुछ समझ नहीं आता। जाओ सबको बुला लाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ठीक है वक्र, चलो खाना खाते हैं, भूख लगी है ना। मैं खिलाऊंगा। अरे घोटाला हो गया ना, वो तेरा श्लोक रह गया फिर। चल चल। अन्नपूर्णा सदा पूर्णे शंकरा प्रणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ्यम भिक्षाम देहि च पार्वती। क्या बात है, नमक नहीं, मसाला नहीं, तुमने क्या मुझे हार्ट पेशेंट समझा हुआ है? देखिए, अरे उम्र के हिसाब से होता है कभी कभी। इसलिए मैं आपको बार बार पूछ रही थी, तब तो हाँ कहा था। मैंने कहा रोज का खाना मैं बनाऊंगी, वो भी आपको पसंद नहीं आता। बस बस बस, नमक है वो। अरे घर कारखाना, तू अकेली क्या क्या संभालेगी? अब रोज खाना बनाना कोई काम है क्या माई? इसीलिए तो मैं करती हूँ। यह है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो बंद हो गई है सर, मतलब थोड़ा सा मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट और प्रोडक्शन स्टार्ट सर। सर एक मिनट सर, मैं आपको ये सब बताऊं इसकी कोई जरूरत नहीं सर, क्योंकि दादा ठोसर के बेटे हैं। वो क्या है ना सर कि दिमाग के हिसाब का प्रिंट आउट लेना मुमकिन नहीं है ना सर, इसलिए। वो क्या है ना देवेश, कोई चीज 5 रुपए में बनाकर 6 रुपए में बेच दी तो 1 रुपए का फायदा होता है। जी सर बिल्कुल सर। 4 रुपए में बेची तो 1 रुपए का घाटा होता है। हाँ ये भी सही सर। मुझे इतना ही गणित आता है और मैं इतना ही गणित करता हूँ। जी सर। बाय द वे काम की शुरुआत करो, सरकारी परमिशन भी लगेगी ना। ओके सर ठीक है। दिन भर मिट्टी में खेलता रहता है, हाथ के छाले निकल गए हैं देखो। माधव दादा कब आने वाले हैं? सो जा बेटा। अजी क्या है, इतनी बड़ी फैक्ट्री खरीदने की क्या जरूरत है? लोग अपने बाल बच्चों के लिए ये सब करते हैं, हमारे पीछे कौन है? वक्रतुंड है ना, उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचना है क्या? वो क्यों आएगा फैक्ट्री में? दादा उसे कैम्ब्रिज भेजने वाले हैं। वक्रतुंड गणित में बहुत बड़ा विद्वान बन सकता है, ऐसा दादा को लगता है। मुझे नहीं लगता कि हमारा बेटा
गणित में कुछ कर पाएगा। सुनिए जी, अजी क्या जवाब दूं मैं रोज रोज उसे, माधव कहाँ है, कब आएगा, दादाजी उस पर क्यों गुस्सा है। अजी अजी कई सवाल पूछता है वो, अब 3 साल हो गए इस बात को, माधव की गलती थी मानती हूँ मैं, लेकिन वो भी अपना पोता ही है ना। अब इस बार वो जहाज से आएगा ना तो साफ साफ बात करना उससे। शाबाश। अजी मैं किससे बात कर रही हूँ इतनी देर से। हेलो, हाँ है ना, रजनीकांत घुस गया है उनमें रोज की तरह। बताती हूँ, प्रोफेसर इनामदार का फोन था। अरे तो मुझे बताना चाहिए था ना, दो ना। ये कैसे आपको ठीक से सुनाई दिया। कुछ नहीं, आएंगे रविवार को मिलने। प्रकृति की हर बात में हमें याद रखनी चाहिए कि वो गणित की कैलकुलेशंस और प्रोपोर्शन के बीच में ही होती है, बस उसे अगर हम गणित की नजरों से देखें तो हमें समझने में आसानी होती है। आई बात समझ में? दादा ये सब मैंने उसे समझा दिया है, पर मतलब अगर आप उसे समझाओगे तो। हाँ, पर मेरे बाद में कौन सिखाएगा, सवाल ये है। नहीं मतलब गणित सिखाने के लिए आजकल कैपेबल इंसान कहाँ मिलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तुम इसकी इतनी तरफदारी मत करो, चलो आओ। प्रतिष्ठान का कहना है कि हमारे पास काबिल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, और अगर ओलंपियाड यार्ड एग्जाम की तैयारी करवाना है तो दुनिया में अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, पर वो सब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अरे लेकिन गणित की वजह से सॉफ्टवेयर्स का निर्माण हुआ है, ये कहो, सॉफ्टवेयर्स की वजह से गणित नहीं। देखो गणित की कई महान बड़ी खोजें इन कंप्यूटर्स के अस्तित्व में आने के लाखों साल पहले ही हो चुकी हैं। बिल्कुल सही है दादा, पर आजकल के टाइम में कंप्यूटर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अरे पर इस कंप्यूटर का क्या करेंगे, ये कंप्यूटर है ना ऊपर वाले का दिया हुआ, इसका एग्जाम लो ना। सॉफ्टवेयर। सीधा नगर पालिका को प्रस्ताव देते हैं। दादा आपका एक विद्यार्थी दलवी यहाँ का नगर अध्यक्ष है, बहुत मानता है आपको, और 30-32 लाख की रकम छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है दादा। और सरकारी मदद में कितनी दिक्कतें होती हैं ये बात मुझे पता है दादा, लेकिन आपने ही तो कहा था ना दादा अपने काम के लिए झुक भी जाना चाहिए। नहीं 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 मेरा काम कभी कभी हो जाता है, ठीक है, समझ लो कि काम हो गया। यारे कैसा है तू, ए चल चल। नमस्ते नमस्ते दादा। नमस्ते। अरे क्या कर रहे हैं, नमस्कार। अरे सर आपने क्यों तकलीफ की, मुझे कह दिया होता मैं मिलने चला आता आपके पास। मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ हाँ ये हो जाएगा। अच्छा सर आप अंदर चलिए, अंदर चलकर बात कर लें। आपका काम हो जाएगा दादा, कानूनी रूप से कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। दादा ये काम आप हम पर छोड़ दीजिए ना, प्रोजेक्ट कैसे पेश करना है और कैसे पास कराना है उसे, इतना गणित तो हमें भी आता है ना दादा। अब यही देख लो दादा, लोकमान्य हमारे कोंकण के ही हैं। आई नो
पर चांद के गणित में दादा हमें ही सबको संभालना पड़ता है, मतलब एक तरह से हम ही लोकमान्य हुए ना। इसलिए ये देखिए ना, पिताजी हैं मेरे पिताजी। लोकमान्य तिलक ये कोंकण क्षेत्र या किसी एक जाति विशेष से हैं, इस वजह से इस प्रोजेक्ट को उनका नाम नहीं दिया गया है। बहुत लोगों का कहना था कि मैं अपने बेटे विश्वनाथ का नाम इस प्रोजेक्ट को दूं, इसलिए नहीं कि वो विद्वान था बल्कि इसलिए कि वो एक बड़ा गणितकार था। हाँ ये तो सबको पता है, मतलब वो कौन सी एक बड़ी सी परीक्षा होती है, रोड्स स्कॉलरशिप लंदन। वो ये स्कॉलरशिप हासिल करने वाला गणित का सबसे युवा भारतीय वैज्ञानिक था, तब भी मैंने उसे नाम नहीं दिया, लोगों का मैंने कुछ सुना नहीं, और आप मुझे अपने पिताजी का नाम देने के लिए कह रहे हैं। अरे दूसरी कक्षा तक जिसने पढ़ा नहीं और चौथी कक्षा में ही जिसे पाठशाला से निकाल दिया जाता है, प्रोजेक्ट का नाम उसे दे दूं। क्षमा कर दो। आप जरा ऊपर जाइए। किस बात के लिए? कुछ बात करनी है दादा। गजा, वक्रतुंड को आठवीं और नवीं कक्षा में गणित में कितने मार्क्स मिले थे? 100 में से 100 है ना? हाँ। फिर ये दसवीं का सवाल है, ये नवीं का है और ये आठवीं का है, इनमें कोई भी गणित का सवाल ये हल नहीं कर पा रहा है, क्यों? मैं कैसे बताऊं ये, मुझे कैसे समझ में आएगा, मैं तो अपने मसाले की हेरा फेरी करने वाला आदमी। अच्छा, फिर पिछले 2 साल से वक्रतुंड को गणित विषय में 100 में से पूरे 100 मार्क्स मिले हैं, इसके लिए क्या हेरा फेरी की गई है? ये क्या बात हुई गजा? वक्रतुंड माई, उसकी कोई गलती नहीं है,
गलती मेरी है। ये तब की बात है जब वक्रतुंड आठवीं कक्षा में था, उसकी परीक्षा थी, अगले दिन उसका गणित का पेपर था, लेकिन उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, बहुत टेंशन में था ये, और भाई मैं भी। ये गणित में फेल होगा और सबसे बड़ी बात आपका पोता और गणित में फेल हो गया, ये सोचकर पागल वक्रतुंड जैसे पागल सा हो गया था। माई सारे गांव के सामने दादा की गर्दन झुक न जाए ये सोचकर उस वक्त जो समझ में आया मैंने किया और जाकर नार्वेकर सर से मिला। दादा ने पैसे दिए और पेपर खरीद लिया। भास्कराचार्य प्रतिष्ठान से खत आया है दादा। हमारा प्लान और एक्शन क्या होगा, अब आगे हम कैसे बढ़ेंगे, उन्हें एक टाइम बाउंड कमिटमेंट चाहिए। मैंने तिलक एकेडमी पर ताला लगा दिया है। सुनिए जी, मेरा अपना पोता स्कूल का गणित भी नहीं सुलझा सकता और मैं ओलंपिक के गोल्ड मेडल हासिल करने के सपने देख रहा हूं। इसी नार्वेकर की वजह से बाबा दलवी को पहले ही पता चल गया और जब उस जैसे इंसान को पता चल गया तो बचा क्या। मुझे तो लगता है कि इस गांव में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे इस खबर की जानकारी ना हो।
मैं पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रहा हूं गणित गणित का। गांव वाले ये सब पहले ही जान गए होंगे और सबके सब मुझे देखकर मन ही मन हंसते होंगे। कालिख पुत गई मेरे चेहरे पर। कोई कालिख नहीं पुती है दादा। हाँ सही कह रहे हो, जब इस काम के लिए घर वाले ही काफी हैं तो बाहर वालों की जरूरत ही क्या है। मतलब क्या ये सब माधव को बताओ, यही कहना चाहती है ना तू? हाँ। बीमारी से बड़ा तो इलाज ही बता दिया तूने। माई वक्रतुंड का सगा बड़ा भाई है वो। हाँ। और बड़े भाई की जिम्मेदारियों की चर्चा तो पूरे दुनिया में मशहूर है ना? महीने भर में एक बार कॉल करता तो है। पर उसे भी शर्म आती होगी ना माई। आनी ही चाहिए, बर्ता भी ऐसा किया है। आसावरी के मामले में जिम्मेदारी निभाई क्या उसने? इतने सालों तक यहाँ वहाँ घुमाया उसे, अब ये दोनों शादी करेंगे हमें ऐसा ही लगा था। और शादी का वक्त आया तो ये समर्थ रामदास मंडप से ही गायब। माई अब कितने दिनों तक यही बातें करती रहेंगी? आसावरी भी ये सब भूल गई होगी अब तक। सविता ऐसी बातें कोई भूलता है क्या? इतनी सारी रामायण होने के बाद भी वो आज भी हमसे उसी तरह बर्ताव करती है, ये उसका बड़प्पन है। तू कहती है वो भूल गई, फिर अभी तक शादी क्यों नहीं की उसने? पर माई आप... बस बस, पहले से ही ये बहुत उदास है और उस पर माधव का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। पर इन सब में वक्रतुंड का क्या होगा? देखती हूँ। चरवाहा भेड़ों को छोड़ सकता है पर मालिक उसे कभी नहीं छोड़ता। क्या कर रही इतनी रात को यहाँ? ये क्या छुपा गया? नहीं कुछ नहीं। इस घर में हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपाता है और ये नियम बन चुका है। क्या करूं जी, एक ही विचार आया, ताकत छोटी होना ये गुनाह नहीं, पर जो है उसे इस्तेमाल ना करना ये गुनाह जरूर है। और ताकत होते हुए भी अगर सच कहूं तो गुनहगार मैं हूं। सुनिए जी, अजी क्या पागलपन है। जिंदगी में पहली बार मैंने सही काम किया है और मैंने जिंदगी में पहली बार
पागलपन किया है। गणित सिखाने निकली थी, गलती हो गई मुझसे, अनजाने में ज्यादा ही हिम्मत दिखा दी मैंने। मैट्रिक में तुम्हें 82% मार्क्स मिले थे, ये मैं नहीं बोला। हाँ, तुम भूल गई। कैसे भूल सकती हूँ? शादी के वक्त आपके घर जब मेरी कुंडली भेजी थी, तब गुस्से में जवाब भेजा था आपने, कुंडली नहीं मार्कशीट भेजी है लड़की की, वो भी गणित के साथ अगर मैट्रिक हुई हो तो ही। हजारों लड़कियां आई थीं, पर जिसे गणित में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे उसी लड़की से मैंने शादी की। ये आपका मापदंड है, और कहते थे ये सारे कोकण के सबसे होशियार। पर आखिरकार होशियार मैं ही साबित हुआ। कल सुबह वक्रतुंड को जल्दी उठा देना, मैं कल से उसे गणित पढ़ाऊंगा। वक्रतुंड, आज हम सबसे पहले सातवीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे, ठीक है? बेटा, तुम्हारी ये जवाब सही है, पर इसे हम एक और तरीके से सीखने की। पर हमें ऐसा ही सिखाया गया है स्कूल में, किताब में जैसा लिखा है वैसा ही सॉल्व करेंगे तभी तो मार्क्स देंगे सर। सर कौन सर? वो बेअक्कल नार्वेकर, उसकी बड़ाई मेरे सामने मत कर। वो पैसे खाकर मार्क्स बढ़ाने का काम करता। दादा, 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 जिससे तनाव आता है उससे दूर रहो, और जिससे दिल को सुकून मिलता है वही सब करो। गणित पढ़ाने से ज्यादा किसी और काम में मेरे मन को खुशी नहीं मिलती, और यही गणित मैं वक्रतुंड को पढ़ाना चाहता हूं, जिससे वो। तो कुछ समय तक वक्रतुंड को पढ़ाना बंद। Thank you.
कह रही हूँ, कोई अच्छा सा टीचर देख लेते हैं ना, ट्यूशन लगा देते हैं वक्रतुंड को। अरे सविता, मुंबई से टीचर लाऊंगा, जितना पैसा कहेगा उतना दूंगा। ठीक कह रहे हैं, पहले दादा से पूछो, उन्हें मंजूर है। हाँ? भीमसेन जोशी का पोता बाहर गाना सीखेगा, उन्होंने ऐसा कहा तो। अरे पर ये क्या बोल रहे हैं आप, जरा उनकी नजर से भी सोचिए ना। उनकी नजर तो सही है ना, गलती हमारी है। आपके बड़प्पन और सम्मान के लिए ये सब किया, ये गलती हमारी। देखो गुनाह हुआ है, लेकिन प्लीज। आगे क्या करना है वो कहिए। दादा की हालत देखी है, क्या हो गई है, लोग क्या कह रहे होंगे, इस डर से खुद को बंद करके रखा है। कम से कम उनके लिए तो कुछ कीजिए। आपका क्या है, काम के बहाने बाहर रहते हैं, पर घर वालों को चेहरा मुझे दिखाना पड़ता है। दादा, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था ये किताब, बहुत अच्छी है, आपको पढ़नी चाहिए ये। रजनीकांत, ये फोटो देखिए, वैसे आपने सारी फिल्में देखी हैं, ये देखिए कितनी सुंदर है। दादा चलिए चलिए, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, चलिए। नमस्ते भाइयों, गांव में बदलाव आए, इस संस्था का निर्माण दादा करेंगे और इस प्रयास में हमें भी अपना योगदान देना होगा, और इसी योगदान के लिए मैंने इस दान पेटी की स्थापना करवाई है। इसमें जमा होने वाला सारा पैसा ये दादा की संस्था के लिए है। मैं खुद 5,000 रुपए देकर इस कार्य की शुरुआत करता हूं। आप भी अपने शुभ हाथों से दादा के इस अत्यंत शुभ कार्य में मदद करेंगे, ऐसी आशा रखता हूं। धन्यवाद। रजनीकांत की कोई डीवीडी है क्या गाड़ी में? है क्या? है ना? ए, लगा लगा। अरे वाह, क्षेत्र के लोगों की इस काम को लेकर इतनी ज्यादा आस्था थी और मैं बिना वजह उन सब पर शक करता रहा, गलती हो गई। दान पेटी में आपने जितना पैसा जमा किया था वो सारा इस पैकेट में। एक बात समझ में नहीं आई, आसावरी को ऐसा क्यों लगा? इस बूढ़े ठोसर को उसने समझा क्या है, कोई दोगला इंसान हूँ मैं क्या? वैसे ही हर बार आपको ये पैसा दिया जाएगा जो आपको दोबारा दान पेटी में जमा करना है दादा के लिए। अरे इस ठोसर की ताकत देख, उसकी तपश्चर्या देख, लोगों का प्यार देख, उनके दान देख। शुक्रिया, रहने दो। अरे नहीं नहीं, रहने दो ना, मैं खुद वक्रतुंड को गणित पढ़ाऊंगा और यहीं पढ़ाऊंगा।
वो पास होगा और उसके पास होने के बाद गणित ओलंपियाड की क्लास वापस से शुरू करूंगा। अकादमी वापस से शुरू होगी। वक्रतुंड, गणित पढ़ा रहा हूं, लिख लो। एक नाव बहाव के विरुद्ध 8 किलोमीटर और बहाव के साथ 32 किलोमीटर तक जाती है। वही नाव बहाव के विरुद्ध दिशा में 20 किलोमीटर और बहाव के साथ 16 किलोमीटर तक जाती है। तो बताओ कि अगर वही नाव पूरे 60 किलोमीटर आगे बढ़ती है मतलब 45 45 45। ईसीजी नॉर्मल है, ठीक है, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, इसे पैनिक अटैक कहते हैं। ये कठिन प्रकार का मानसिक रोग है, मतलब एंजाइटी का प्रमाण अगर उम्मीद से ज्यादा हो गया तो उसकी तकलीफ होती है। जिस वजह से जिस जगह इंसान को तकलीफ होती है वहां उसे वापस जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर वहां वापस गया और वैसे ही तकलीफ हुई तो ऐसा डर उसके दिल में घर करके बैठता है। ऐसे अटैक अगर बार बार आए तो इंसान का मानसिक बल खत्म हो जाता है। किसी बिना जान वाले चीज की तरह पड़े रहना पड़ता है। दिन हो गए ये सब ऐसे ही चल रहा है, शायद किसी की नजर लग गई है। भाई घर में मुसीबतें कमी नहीं हो रही, पंडित जी ने कहा था पंडित जी ने कि सही तरीके से गणपति का विसर्जन करोगे तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। उसी की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी श्रद्धा लगाई है इस बार।
इतना सब कुछ हो गया 2 महीनों में, मुझे बताया क्यों नहीं? तुम ही सोचो इस बारे में। माई मैं गाजर देखो कितना हो रहा है। बोलो ना क्या कर रहे हो? अरे ग्रीक रेसिपी सीख रहा हूँ। किस लिए? ओ मौसी बैगन दो, बैगन बैगन ये देख, ये क्रूज ग्रीक से निकलती है अमेरिका जाने के लिए। न्यू ईयर का बम्पर सेलिब्रेशन होता है यहाँ। और इस क्रूज पर तुम्हें जॉब मिला है? नहीं ना, वही तो प्रॉब्लम है। इस क्रूज पर अगर जॉब चाहिए ना तो ग्रीक रेसिपियाँ आनी चाहिए। उसमें से कुछ सीख लिया है मैंने। 3 महीनों की छुट्टी ली थी मैंने इसके लिए। उनकी सबसे इम्पोर्टेंट डेलिकेसी है ये देख, बकलावा। और बकलावा की रेसिपी तुम्हें आ नहीं रही है? करेक्ट। तो वो जब तक मुझे नहीं आएगी तब तक ये जॉब मुझे नहीं मिलेगा। मतलब रेसिपी सीखने के लिए तू वापस आया है? वापस आया किस लिए हूँ और सामने रखा क्या है? ले चल करके दिखा। मिट्टी को हाथ मत लगाना, माँ ने कहा है। दरअसल फेल होना इसमें इतना क्या इशू है यही समझ में नहीं आता मुझे। वाह। मतलब उसे 1-2 साल और लग जाएंगे 10वीं पास करने में। Who cares? तोंडिया आगे पढ़ेगा। फिर क्या, नौकरी, फिर 60 को रिटायरमेंट। उसके बाद उसके ऑफिस के लोग उसे असेंट ऑफ देंगे, प्रवचन देंगे, क्या बोलेंगे? वक्रतुंड उर्फ हेरंब विश्वनाथ ठोसर, इन्होंने 31 साल नौकरी की है। इस बार अगर पास हो गया तो 32 साल नौकरी की है, 33 साल नौकरी की है, और क्या, बस। एक बार ये सब कुछ दादा के सामने बोल। हाँ? वक्रतुंड, छोटे बच्चे गलती करते हैं। गलती करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है ना कि बड़े लोगों को उन्हें माफ कर देना चाहिए और फिर से वही प्यार देकर अपना लेना चाहिए। उसी तरह से ठीक वैसे ही बड़े लोग भी
कभी कभी गलती करते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि छोटों को उन्हें माफ कर देना चाहिए, हमें प्यार से अपने पास बुला लेना चाहिए। वक्रतुंड, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे बेटा। अगर सच कहूं तो मेरे गणित को तुम्हारे गणित से मेल खाना चाहिए था, पर मेरे बर्ताव की वजह से यही गणित तेरे भविष्य के रास्ते का रुकावट बन गया है। वक्रतुंड, मुझे छोड़ के मत जाना बेटा। दादा, मुझे छोड़ के मत जाना वक्रतुंड। मैं थक चुका हूं, इस उम्र में तो पेड़ से पत्ते भी उसका साथ छोड़ देते हैं। अरे तुझ जैसे हजारों बच्चों को प्यार देने की क्षमता है तेरे इस दादा के दिल में। दादा बोल, क्या करूं मैं? तू जो कहेगा वो प्रायश्चित करने को तैयार हूं मैं। बोल, क्या सजा दूं मैं? दादा, एक ही काम कीजिए, हमें माफ कर दीजिए। और एक काम करना है दादा, खुद के हाथ से खाना बनाकर भरपेट आपको खाना खिलाना है। माई, आज किसी भी चीज को आप हाथ नहीं लगाएंगी। तेरा क्या है, सब कुछ अलग है, मॉडर्न। हम लोग तो अपने गांव वाले हैं। माई, कुछ भी मॉडर्न नहीं है, सब कुछ वही होता है। हमें बस शाइनिंग मारने के लिए सिखाते हैं। मतलब आप कहोगी मुझे दाल चावल परोसो और हम कहेंगे लेट अस बिगिन विद स्टीम्ड फाइन लॉन्ग ग्रेन व्हाइट राइस एंड पिक फ्रॉम द Emerald green lap of the Vindhyas, accompanied with the golden lantern soup, gently simmered over the smoldering kisses of angels. आज जानबूझकर आपको जो चीजें पसंद है वही मैंने बनाई है दादा। अच्छा किया ना मैंने, इसलिए लगता है दादा आज एकदम चुप है। आप सबको लगाव है बस दादा से, वो गुस्सा हुए रूठे बात नहीं हुई तो फिर माई की याद, तब छुपने के लिए मेरा पल्लू। दादा पसंद आया ना? अरे दादा, अरे इतने में क्यों उड़ गए प्लेट छोड़कर? कमाल है। अरे पेट भर गया होगा उनका। ऐसे ही मुझे मत समझाओ माई, अच्छा हुआ है या खराब था कुछ नहीं कहा उन्होंने, अब तक मुझे माफ नहीं किया ना उन्होंने। अरे जरा मुझ पर भी विश्वास कर। दादा गुस्सा होंगे और हम तुम्हारे पल्लू में आएंगे और फिर तुम कुछ भी कह के हमें समझा दोगी। वो सब बचपन में ठीक था माई। माधव, तू हमेशा कहता है ना, दादा का गणित नहीं आया, पर खाना बनाने का गणित मेरे इतना किसी को नहीं आया। ये भी तेरे दादा के खून का ही गुण है। तुम्हारे दादा में एक विलक्षण शक्ति थी, अगर कोई भी चीज खा लें तो उसमें क्या है, उसमें क्या डाला है, ये सब पेपर पर लिख कर देते थे, जैसे गणित का दाखला सॉल्व किया हो।
दैवी शक्ति थी उनमें। माय गॉड, भगवान का इंसाफ देख माधव, तुम्हारे माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ, हमारा विश्वनाथ जाते जाते इनकी वो शक्ति भी ले गया। एक्सीडेंट की खबर आई तब ये खाना खाने बैठे थे यहीं पर, और उसी क्षण से इनके मुंह का वो स्वाद ही चला गया। अब तो इन्हें स्वर्ग से अमृत ला कर दे या फिर 4 दिन पहले का बासी खाना, सब एक जैसा ही है। अब वो खाना खाते नहीं है, बस जिंदा रहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। मैं खाना बनाते वक्त कभी नमक भूल जाती हूँ, मिर्ची की जगह मसाला डाल देती हूँ, इसलिए सविता हमेशा चिल्लाती है मुझ पर। मैं बस परखती रहती हूँ इनके जुबान पर कुछ स्वाद आता है क्या। मैं भी और क्या कर सकती हूँ। अरे तुम डॉक्टर हो ना, तो जो करना है वो करो, लेकिन दादा की शक्ति वापस आनी चाहिए। इस पर कोई इलाज नहीं है माधव। अरे ऐसे कैसे, चलो। मतलब हम हिंदी फिल्मों की तरह राह देखते रहे क्या? एक झटका बैठा मेमोरी गायब, दूसरा झटका मिला मेमोरी वापस। हाँ। अरे क्या हाँ, फिल्म कह के हंसते हैं हम, पर ये सब बातें सच होती है। दादा की शक्ति अगर वापस आएगी ना, तो वो ऐसे ही झटके से वापस आएगी। इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब एक झटका लगा तो उनकी शक्ति गई, तो दूसरा झटका लगा तो उनकी शक्ति वापस आ जाएगी। वही तो बोल रही हूँ, देयर इज नो सच लॉजिक। क्या? देयर इज नो सच लॉजिक। मैं ये शक्ति वापस लाऊंगा, लेट मी ट्राई। मुझे बता, दादा के लिए सबसे बड़ा खुशी का झटका क्या होगा? वक्रतुंड। करेक्ट, वक्रतुंड 10वीं में गणित में सबसे अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तय हुआ, तुंड्या पास होगा, होना ही चाहिए। थोड़ा सा आया है ठहरा, नहीं मंजिल तो नहीं खत्म हुए, नहीं हल्के हल्के आगे जाए, सबको मिलके लेके जाए जाए। अब किसे हम बोले, किसी के बहाने, अब तो आगे बढ़ जाए, उम्मीद ना तोड़े। नहीं नहीं निराशा हुई नहीं, जिंदगी के ये पल जी ले, जो सोचा वो हुआ ऐसा, पीछे कभी हटता नहीं, पथरीली राहों में जिंदगी कभी रुकती नहीं, जो होगा सो होगा। थोड़ा
रफ्तार इसमें हो क्या, जिंदगी है तेज रफ्तार इसमें हो क्या, जिंदगी है तेज रफ्तार इसमें हो क्या। टुंड्या, इस गणित का क्या करें? अरे मुझे नहीं अच्छा लगता गणित। दे ताली, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं था गणित। हाँ, फिर तुमने क्या किया? मैंने सीधा बता दिया पापा को, नहीं अच्छा लगता गणित। पापा को? हाँ पापा को। उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगता ना, पर करना तो पड़ेगा, कम से कम 10वीं तक तो भी। और फिर करना ही है तो हंसते हंसते करते हैं ना, प्यार से करते हैं, कम से कम दिमाग को तकलीफ नहीं होगी। अगर हमारे घर कोई मेहमान आया और वो वापस जाने निकला, तब उसे हम हंसते हंसते बाय बोलते हैं, है ना, यहां तक कि गणपति बाप्पा को भी। वैसे ही हम इस गणित नाम के मेहमान को हंसते हुए विदा करेंगे, क्यों? हाँ यार, पर मुझे गणित समझ में नहीं आती। क्यों, स्कूल में ठीक से सिखाते नहीं, टीचर अच्छे नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है नादकर्णी टीचर, एकदम मस्त। अच्छा, वर्ग समीकरण के कुछ एग्जांपल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए निकालिए अपनी अपनी किताबें। खूबसूरती मत दिखाइए, 10वीं कक्षा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, और उसमें आजकल के लड़के तो इंटरनेट के जमाने के लड़के हैं, गणित में कमजोर होंगे, लेकिन फिर भी के मामले में ये। टुंड्या बड़ा हो रहा है, ये मैं समझ ही नहीं पाया कभी, छोटा भाई हमेशा छोटा ही लगता है और फिर ये ऐसे लफड़े होते हैं, पर टुंड्या है बड़ा नसीब वाला, टीचर स्कूल में साड़ी पहनकर आती है इसलिए। लेकिन तुम्हें बताऊं, अगर वो वेस्टर्न ड्रेस में आ गई ना, मैं तो एडमिशन ही ले लूंगा 10वीं में, क्या दिखेगी पता है? तू देख ही ले, अंदर जाऊंगा, दरवाजा ठोकूंगा, दरवाजा खुलते ही जैसे टीचर दिखी रे दिखी, तो सीधा मुंह पर कहूंगा टीचर। एडमिशन लेना था 10वीं में क्या? टीचर आप टीचर हो, गणित सिखाइए, 10वीं की कक्षा का क्लास है। अब बस हुआ ना, कितनी इज्जत निकालोगी? अब पता चला मैं क्यों आई थी तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम मौके पर पलट जाते हो। अब तुम जैसे तुम बात करोगे या वहां भी मुझे आना पड़ेगा? Thank you.
क्या हुआ? कुछ नहीं, तुंडिया। तुझे नाड़करनी टीचर बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत अच्छा सिखा दिए। चल बाय। तुंडिया, तुंडिया। क्या? क्लास में तेरी जो प्रॉब्लम होती है वो मैं समझ सकता हूँ। तेरे मन में जो हलचल होती है वो पूरी नेचुरल है। दरअसल ये सब जो हो रहा है इसका मतलब तू नॉर्मल बिना बीमारी का है कि नहीं? अगर ये नहीं होता तो चिंता का विषय होता है ना, तो इसलिए परेशान मत होना। नेचर अपना काम करती रहेगी, तू अपना काम करता रहे। क्या, चल भाग। साल पहले यही तो मिले थे हम। मैंने जाते वक्त कुछ तो जरूरी बात करनी है यह कहकर मैंने तुम्हें वहां बिठाया। आसावरी, मैं शादी के लिए हाँ करने से डर गया। तुम डॉक्टर, मैं कुछ भी नहीं। डर गया था तो भाग गया। इसके लिए वापस आया हूं मैं। इसलिए आए हो? पर यहां तो कुछ अलग ही भरोसा हुआ है। करना क्या है कि एक एक कार्ड पर एक एक संकल्पना लिखनी है। मतलब सीखना है तो इतना ही है ऐसा लड़कों को लगता है, उनका डर कम होता है और वो घबराते नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बड़े पाठ को देख करके वो घबरा जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। उस समय के लिए ये कार्ड थ्योरी बेस्ट है। सही कह रहे हो, मेरी समझ में आ गया। वक्रतुंड की यही प्रॉब्लम है। मैं अब ऐसा करता हूं इनामदार कि मैं एक कार्ड लेकर उसमें एक पाठ तैयार करता हूं और कल आपको दिखाता हूं। क्या दादा, ये क्या मजाक कर रहे हो आप? ये ले, खा लेना याद से, इससे याद शक्ति बढ़ती है। अजी, क्यों जाग रहे हैं इतनी रात तक? जरा तबीयत का ख्याल कीजिए। क्या हुए? हो गई पढ़ाई इतने में?
थक चुका हूँ रे। इतनी सी पढ़ाई काफी है ऐसा लगता है तुझे? अब ये क्या नया सब कुछ लेकर बैठे हैं आप? एक मिनट, तुम मेरी एक हेल्प करोगी? कृपा करके अगर तुम जाकर सो जाओगी तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी। तुम्हें कुकिंग कैसे पसंद आने लगी? सो जा। अब आप फालतू में ही उस वक्रतुंड के पीछे मत लगिए। माधव ने कहा है, वो देख लेगा क्या करना है। माधव आप अपनी तबीयत संभालिए, बहुत होगा अगर यही कर लिया तो। तुम बार बार मेरी तबीयत का सब्जेक्ट क्यों निकालती रहती? अमरत्व लेकर आए हैं क्या जन्म के साथ ही? और करने दो ना माधव को, उसे भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हो गया एहसास, हो गया। बताना कि आसावरी दीदी का संबंध है इसीलिए नहीं बताना है मुझे? देखो, जब तक वक्रतुंड अच्छे मार्क्स के साथ पास नहीं होता तब तक मुझे अच्छी नींद नहीं आने वाली। अजी जरा विश्वास करना सीखिए दूसरों पर। अब भी माधव जग रहा है उसके साथ साथ। कॉलेज के दिनों से ही पसंद थी मुझे आसावरी। ऐसा लगता था जैसे एक एक सेकंड उसके साथ ही बिताऊं। उसे खाने का बहुत शौक था। 24 घंटे टीवी पर कुकिंग शोज देखती रहती थी। मैंने भी कह दिया मुझे भी पसंद है कुकिंग। उसके साथ शो देखने मिलते थे ना, और फिर शोज देखते देखते एक एक आइटम बनाने लगा मैं उसे इंप्रेस करने के लिए। आगे चल के उसे मेडिकल में एडमिशन मिला और उसकी जिंदगी से कुकिंग निकल ही गई। और अब कुकिंग ही मेरी जिंदगी है। तू पढ़ाई कर रहा है और तुम इसे यहां पढ़ा रहे हो इस भरोसे के साथ। वहां तुम्हारी दादी सो गई है शांति से और तुम इसे फालतू प्यार की कहानी सुना रहे हो। और तू रे, दादा नहीं हो रहा है। 4.5 लाख का कोई हिसाब नहीं मिल रहा। वो रुपए मैंने इस्तेमाल किए हैं। इस्तेमाल किए मतलब दादा को दिए हैं। दादा को मतलब दान पेटी में लोगों ने जो पैसा डाला था ना। हाँ, वो पैसा उनका अपना नहीं था। मतलब मैंने ही दिए थे उन्हें डालने के लिए। अरे पर क्यों है ना, एकदम सॉलिड आइडिया है ना। अरे उस दिन से दादा इतने खुश है ना कि क्या बता। हाँ एकदम। पर अगर ये सब दादा को बाहर से पता चला तो वो ये सब सह पाएंगे क्या? पहले से ही उनकी तबीयत इतनी खराब चल रही है। गज्जू चाचू चलिए। कहाँ? ये बात दादा को बाहर से पता चलने से अच्छा है कि हम खुद ही बता दें। और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं
जो तुमने मुझसे आज तक छुपा के रखी है, हो तो बता देना। नहीं नहीं, मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूं। मुझे अब किसी भी बात का झटका नहीं लगेगा। बोलो। दादा, गलती हो गई। पर आप एकेडमी का काम इस तरह रोकिए मत। दादा, मैं समझ सकता हूं कि आपको क्या लगता है। अरे पर मुझे क्या लगता है तुम्हें समझ में आता है बोल रहे हो। गजा, तू नहीं समझेगा, नहीं समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आएगा, कोई नहीं समझ पाएगा, किसी को भी नहीं समझ में आएगा। दादा, आपको यही लग रहा है ना, एक्सीडेंट में भगवान विश्वनाथ को ले गए, उसकी जगह इस गजा क्यों नहीं ले गए। दादा को बताना ही नहीं चाहिए था ये। आज तक बस दर्द ही दिया है मैंने दादा को। गलती से कभी कभी अच्छा हो जाता है माधव। अरे विश्वनाथ गया उसके बाद इन्होंने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था। कितनी बार मैंने कहा कि रो लो, अपना मन हल्का करो। आज इसी वजह से इतने सालों के बाद ही सही उसका नाम लेकर रोए ये। जादू, जादू है उसके हाथों में। एक बार बैठ गया ना तो खाना नहीं पीना नहीं, चार चार घंटे तक हिलता नहीं है अपनी जगह से वो। टुंडिया, एक मूर्ति बना जल्दी से। नहीं भैया, मिट्टी को हाथ मत लगाना, ऐसा माई ने कहा है। अरे माई को मैं समझा दूंगा, तू चल चल बना। बना भी दे, मुझे एक लेके भी जानी है। चल चल चल, जल्दी 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 बना।
तुंडिया, तुझे गणित बताऊं? हाँ बताना। तुझे वर्ग समीकरण क्या होता है ये पता है? नहीं। पहचान सकता है? नहीं। तुम्हें आता है? हाँ आसान होता है। हाँ हाँ तो बताओ ना। देख गणित में जब कहते हैं कि ये वर्ग समीकरण है इसे सिद्ध करके बताओ ऐसा पूछते हैं, या फिर कोई भी सिद्ध करके बताओ ऐसा पूछते हैं, इसका मतलब वो पहले से ही सिद्ध हो चुकी है कि नहीं? हाँ यार। हाँ आसान होता है वो। वर्ग समीकरण का रूल सिंपल है। वर्ग मतलब क्या? जिसका घातांक 2 होता है। तो उसी वजह से वर्ग समीकरण मतलब क्या? कि जिस समीकरण में चल का घातांक 2 होता है मतलब वो कांस्टेंट, इट मींस स्थिर होता है, उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। तुझे गणित करके दिखाऊं? हाँ। ये देख। मायूसियों का साया मुझ पर हंसता, हो मायूसियों का साया मुझ पर हंसता। अरे पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका, पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका। जरा जरा सा समझ लेता कोई किसी को, फिर मुड़ के पढ़ के लेता दिल उसी को। पता न चले दर्द दिल किसी को समझ आए, अरे पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका, पल पल की जिंदगी। चुप चुप के खट्टा मीठा ये तो इसका रंग है, उम्मीद जिंदगी की खत्म ना हो जाए। बीच रास्ते में जैसे मंजिल भटक जाए, जरा जरा सा वो रास्ता हम ही हो जाए, जरा जरा सा वो रास्ता हम ही हो जाए। फिर नई उम्मीद जीने की सबको मिल जाए, पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका, पल पल की जिंदगी। माधव को अच्छा आइडिया आया ना गणपति बनाते बनाते पढ़ाई करने का। पल पल की, अरे ऐसी आदतें तो बहुतों की होती है। अरे माई विश्वनाथ की नहीं थी, किताब खोलते ही कान में रेडियो। सारी खोजें उन्होंने पियानो बजाते हुए की है।
उसके बाप ने उसे पियानो बजाने की परमिशन दी है, इसलिए ठीक है। क्या रे, हो गया पेपर? हाँ, आसान था। क्या बात है। अरे पर एक घंटा बाकी अभी भी पेपर खत्म होने में। पूरे के पूरे मार्क्स, पापा की तरह। अच्छा चलो पहले सब खाना खा लो। एक मिनट, पहले हम दोनों यहाँ से तैरने जाएंगे और फिर बाहर ही खाएंगे और फिर उसके बाद। दादा एक मिनट, तुंडिया अभी मेन एग्जाम तो बाकी है ना। अब कौन सी? दादा अब वक्रतुंड आपको ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व करके दिखाएगा, जैसे एग्जाम में सॉल्व किया वैसे ही, और वो आप चेक करेंगे। यही असली एग्जाम है। चलेगा। तुंडिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। माधव, एक दिन तुमने ग्रीक डिश बताई थी ना जो तुम बना लेते हो, उसे बना कर ले आओ। किचन में जाकर बनाओ उसे।
सॉल्व हो गया, गणित सॉल्व हो गया। माधव दादा चखो, पहले आप चखिए। अरे मुझे चखने की जरूरत नहीं है, हो गया है, गणित सॉल्व हो गया, लो चखो। क्या हुआ दादा? वाह लो, तुम भी लो। अरे शर्मा क्यों रही हो, तुम्हारे पोते रात रात भर कौन सी बातें करते हैं ये पता चलेगा ना, तब समझ में आएगा। लो शर्माओ मत, लो मुंह बड़ा करो। वो क्या है कि उन ग्रीक वैज्ञानिकों ने दुनिया को जो सिखाया, जो उन्होंने बताया, वो उनसे पहले हम सबको पता था। हाँ बीच में हम थोड़ा भूल गए थे, पर अब सब याद आ गया है कि नहीं? जहाँ दुनिया की सारी बातें सॉल्व होती हैं, वहाँ रेसिपी क्या है? अरे गणित है उसके पीछे। तुझे मैं रेसिपी लिख के देता हूँ, फोन करके अपने मालिक से कह दे कि तूने नौकरी छोड़ दी है, जब बता। रास्ते ये जिंदगी के अब आसान करेंगे, भूल के ये सब दुख दर्द चैन से सोएंगे, दुख के वक्त सारे सुख में व्यतीत होंगे, पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका, पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका। चुप चुप के खट्टा मीठा ये तो इसका रंग है, उम्मीद जिंदगी की खत्म ना हो जाए, बीच रास्ते में जैसे मंजिल भटक ना जाए, जरा जरा सा वो रास्ता हमें हो जाए, जरा जरा सा वो रास्ता हमें हो जाए, फिर नहीं उम्मीद जिनकी सबको मिल जाए, पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका, पल पल की जिंदगी कहते हैं जीना सबका।